हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो पीरियड में हम लोगों ने अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य के बारे में थोड़े नियम देखे हैं। आज हम बाकी जहाँ से बाकी है वहाँ से लेंगे। जहाँ लगभग हम लोग प्रत्येक हरेक यहाँ पर ये नियम चालू हमने किया था, तो देखते हैं यहाँ पर ये नियम फिर से लेते हैं। प्रत्येक हरेक एक एक आदि शब्दों के साथ आने वाले संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। देखो जैसे गलत और सही वाक्य देखते हैं। गलत वाक्य, क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे। लड़के ये गलत हैं, होंगे ये भी गलत हैं। तो आंसर सही क्या है? सही आंसर क्या है? क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा। सेकंड, हरेक मजदूर ऊपर डॉट है, देखो मिले के ऊपर डॉट दिया गया है, तो मिले ये बहुवचन में है। तो यहाँ पर हरेक मजदूर अफसर से मिले एक वचन में बनेगा। आपके भाषण के एक एक शब्द तुले हुए थे, बराबर तुले हुए थे, ये बहुवचन में है, तो हमें यहाँ एक वचन में करेंगे क्योंकि एक एक शब्द का उपयोग किया गया है। तो आपके भाषण का एक एक शब्द तुला हुआ था। आगे लेते हैं, संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के लिंग के अनुसार, संज्ञा बराबर पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, कौन सी संज्ञा कौन से लिंग में है, तो लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारी स्कूल कहाँ है, बराबर जैसे तुम्हारी स्कूल कहाँ है, सही वाक्य है तुम्हारा स्कूल कहाँ है। स्कूल शब्द पुल्लिंग में है, इसलिए तुम्हारा बराबर तुम्हारा स्कूल कहाँ, मेरा स्कूल आ गया, बराबर मेरा स्कूल यहाँ पर है, ऐसा कहा जाएगा। तुम्हारी नहीं, तुम्हारा स्कूल कहाँ पर है। आगे नियम देखते हैं, यह मेरी कॉलेज है। कॉलेज शब्द देखो, यहाँ पर कॉलेज शब्द पुल्लिंग है, बराबर तो यहाँ पर हिंदी में पुल्लिंग है। यह मेरा कॉलेज है, यहाँ पर यह मेरा बोला, मेरी नहीं, मेरा गलत है, मेरा शब्द राइट है। यह मेरा कॉलेज है। उसका देह दुर्बल है, तो उसका नहीं उसकी, देह शब्द यहाँ पर उसका गलत है क्योंकि देह शब्द स्त्रीलिंग में है, बराबर यहाँ तो आंसर सही क्या बनेगा, उसकी देह दुर्बल है। आगे लेंगे, उनका आवाज़ कोमल है। चलो आवाज़ कहीं से आवाज़ आई, इसकी आवाज़ कितनी मधुर है, कितनी मीठी आवाज़ में बोलते हो, मीठी बराबर आवाज़ शब्द स्त्रीलिंग में है, तो उनका की जगह आवाज़ शब्द स्त्रीलिंग होने के कारण ये जो सर्वनाम है उनका, ये भी स्त्रीलिंग में ही रखा जाएगा। आगे, उनकी आवाज़ कोमल है। आगे लेते हैं, संज्ञा के लिंग के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा कौन सी लिंग में है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, उसके अनुसार ही जो उसके विशेषण का प्रयोग किया जाता है वो भी विशेषण का ही प्रयोग किया जाता है। स्त्रीलिंग विशेषण भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग या नपुंसक लिंग में ही रखा जाता है। अगर संज्ञा स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग में स्त्रीलिंग में होगी तो विशेषण भी स्त्रीलिंग में होगा, अगर संज्ञा पुल्लिंग में है तो विशेषण भी पुल्लिंग में ही रखा जाएगा। ओके, तो इसमें देखते हैं, तुम आज मौसम सुहावनी है। आज मौसम सुहावनी, मौसम शब्द पुल्लिंग है, तो यहाँ पर आंसर सही क्या है, आज मौसम सुहावना है। देखो यहाँ पर मौसम पुल्लिंग में है तो सुहावनी नहीं लिख सकते, सुहावना उसका विशेषण है, मौसम कैसा है तो सुहावना। प्रश्न, मौसम कैसी है, ऐसा नहीं मौसम कैसा है, तो मौसम पुल्लिंग में है तो उसका विशेषण सुहावना जो है वो भी पुल्लिंग में ही रखा जाता है। आगे देखते हैं, आजकल कपास महंगा है। कपास शब्द स्त्रीलिंग में है तो सही वाक्य लिखेंगे, आजकल कपास महंगी है। उसका नाक लंबा है, नाक शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग में है, बराबर और गुजराती में नपुंसक लिंग में है, याद रखना। उसका नाक लंबा है तो आंसर बनेगी, उसकी नाक लंबी है, उसका सही आंसर, उसकी नाक टेढ़ी हो गई, नाक लंबी हो गई, बराबर ऐसा। तो आगे, उसकी नाक लंबी है। पीतल पीली होती है, पीतल ये धातु है, पीतल पुल्लिंग में है तो पीतल पीला होता है। आगे, इस प्रकार सुहावना महंगी उसकी लंबी पीला, ये सब जो विशेषण दिया गया है ये सब संज्ञा के लिंग के अनुसार ही विशेषण भी प्रयोग किया जाता है। आगे, 9 नंबर का नियम जो है, संज्ञा के लिंग के अनुसार ही
क्रिया का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के लिंग के अनुसार ही क्रिया का भी, क्रिया क्रियापद भी उसके लिंग के अनुसार ही प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण देखते हैं, गलत वाक्य कैसा है पहले देखते हैं। मेरी आम सड़ी हुई है, मेरी बराबर सड़ी हुई है, ये दोनों देखते हैं। सही वाक्य में देखते हैं, मेरी नहीं आम शब्द पुल्लिंग, मेरा आम सड़ा हुआ है। ओके आगे देखते हैं, मेरी की जगह मेरा लिखेंगे और सड़ी हुई की जगह पर क्या लिखेंगे, सड़ा हुआ है। आगे देखते हैं, तुमने झूठ क्यों बोली, बराबर तुमने झूठ क्यों बोली, झूठ बोलना झूठ बराबर। तो देखो तुमने झूठ क्यों बोला, झूठ बोलता है, झूठ शब्द देखो आगे पुल्लिंग में है। आत्मा नहीं मरता, आत्मा शब्द स्त्रीलिंग में है, तो आंसर बनेगा आत्मा नहीं मरती, मरती एक क्रियापद जो है वो आत्मा शब्द स्त्रीलिंग में है, इसलिए मरती जो क्रियापद है वो भी स्त्रीलिंग में ही रखी जाती है। बर्फ 1 रुपये किलो बिकता है, बर्फ बर्फ शब्द स्त्रीलिंग में, बर्फ पिघल गई, बहुत भारी बर्फबारी हुई ऐसा बोलते हैं, भारी बर्फबारी हुई, हुई का प्रयोग किया जाता है, तो बर्फ शब्द स्त्रीलिंग में है इसीलिए क्रियापद भी स्त्रीलिंग में ही रखा जाता है। तो बर्फ 1 रुपये किलो बिकती है, देखो यहाँ पर बिकती है शब्द जो है ये किलो बिकती है, ये क्रियापद जो है वो भी स्त्रीलिंग में ही रखी गई है। आगे देखते हैं, 10 नंबर का नियम है कि संज्ञा के लिंग के अनुसार ही संबंध विभक्ति यानी का और की का प्रयोग किया जाता है। संबंध विभक्ति षष्ठी विभक्ति संस्कृत में हम बोलते हैं, यहाँ पर का और की कारक है, का प्रयोग भी किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, गलत वाक्य और सही वाक्य। तो यहाँ पर पहला उदाहरण, परमात्मा का महिमा अपार है, परमात्मा का परमात्मा का महिमा अपार है। संज्ञा के अनुसार ही संबंध विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है, यानी का और की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ महिमा शब्द आप लोगों को, परमात्मा का महिमा ये गलत वाक्य है, यहाँ महिमा शब्द स्त्रीलिंग में है, तो परमात्मा का नहीं बल्कि परमात्मा की महिमा अपार है ऐसा प्रयोग किया जाएगा। यही वाक्य सही वाक्य है, महिमा शब्द विशेषण बराबर महिमा, परमात्मा की महिमा अपार है, यहाँ अपार ये विशेषण है, महिमा कैसी है तो अपार है ऐसा बोला जाएगा। और परमात्मा का नहीं पर की, परमात्मा क्योंकि महिमा शब्द स्त्रीलिंग में है इसीलिए। आगे देख ले हैं, 2nd नंबर का नियम जो है, बम्बई की बाजार अच्छी है, बम्बई की नहीं का, क्योंकि बाजार शब्द पुल्लिंग है, बम्बई का बाजार अच्छा है। आगे लेंगे, बम्बई का आएगा, की जगह यहाँ की गलत है, ये वाला का राइट वाक्य है। इसमें मुकाबला करने का सामर्थ्य नहीं है, मुकाबला करने का सामर्थ्य मेरे बराबर, यहाँ पर देखते हैं विद्यार्थी मित्रों आप सामर्थ्य, तो इसमें उसमें मुकाबला करने की सामर्थ्य नहीं है। आगे, मुझे केवड़े की शरबत पसंद है, शरबत बराबर अपने गुजराती में शरबत शब्द नपुंसकलिंग, शरबत पीधु एम बोलिए बराबर, यहाँ पर शरबत शब्द है, तो केवड़े का शरबत पसंद है। तो देखते हैं आगे का आएगा, अन्य नियम, विभक्ति संबंधी नियम, विभक्ति लगाने पर यह, ये, वह, वे, कौन, जो, कोई सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। जैसे विभक्ति रहित रूप देखते हैं, और विभक्ति लगने पर क्या बन जाता है वो देखते हैं। तो विभक्ति लगने पर रूप, तो देखिए यह इस, यह का क्या बनेगा इस, ये का इन, वह उस, वे उन, कौन किस और किन, जो जिस और जिन, कोई किस और किन, ये बनता है। तो देखते हैं हम लोग उदाहरण उसमें से भी देखते हैं। आगे 1st वन गलत वाक्य देखते हैं, यह घर में कौन रहता है, यह निकल जाएगा और यह की जगह कौन सा वर्ड लगेगा इस घर में कौन रहता है, हम यह घर में कौन रहता है ऐसा बोलेंगे तो क्या ये सही है क्या नहीं है, इस घर में कौन रहता है, हम ऐसा इस घर में कौन रहता है इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग इस शब्द का ही करना पड़ेगा। ये लोगों में एकता नहीं है, ये लोगों में नहीं बल्कि इन लोगों में एकता नहीं है, इन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आगे, वह आदमी को दौलत का घमंड है,
वह नहीं उस, वह आदमी को दौलत का घमंड, ऐसा नहीं बोल सकते, उस आदमी को दौलत का घमंड है। वे लोगों को अनाज चाहिए, वे लोगों को नहीं, वे का उन बनेगा, उन लोगों को अनाज चाहिए। आप कौन को बुलाते हैं, कौन को नहीं, किसको और किसे, आप किसको बुलाते हैं, किसे बुला रहे हैं आप। ये थालियाँ कौन की है, कौन की जगह किन की है, कौन की नहीं बोल सकते हैं, किन की। ओके ओके आगे, तो देखो आपको बताती जा रही हूँ फिर से, एक मिनट हाँ, पहले हम लोग ये ख़त्म कर लेते हैं। जो को पुकारो वही आवे, जो को की जगह जिसको, जिसको पुकारो वही आवे। जो लड़कों को जाना हो वे तैयार हो जावे, जो लड़कों को जाना हो वे तैयार हो जावे। तो जो की जगह जिन, जिन लड़कों को जाना हो वे तैयार हो जावे, हो जाए। आगे, कोई का पेन यहाँ रह गया है, कोई का नहीं, किसका, किसका पेन यहाँ रह गया है। तो देखते विद्यार्थी, तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ ये वाक्य, फिर से हम लोग एक मिनट के लिए लेंगे, रिपीट करेंगे, थोड़ा आप लोगों को इजी पड़ेगा, एग्जाम में भी पूछा जाता है, वाक्य शुद्ध कीजिए ऐसा प्रश्न आता है। तो यह घर में कौन रहता है, तो यह की जगह हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया, इस घर में कौन रहता है। ये लोगों में एकता नहीं है, ये की जगह हम लिखेंगे इन लोगों में। आगे, वह आदमी को दौलत का घमंड है, वह की जगह उस लिखेंगे। आगे देखते हैं, वे लोगों को अनाज चाहिए, वे लोगों के, वे की जगह उन लोगों को। आप कौन को बुलाते हैं, कौन को की जगह किसको, बराबर किसको। आगे, कौन को, ये गलत है, किसको बुलाते हैं। ये थालियाँ कौन की है, कौन की जगह किन की है। जो को पुकारो वहीं आवे, जो को की जगह हम लिखेंगे यहाँ जिसको, जिसको पुकारो वहीं आवे। जो लड़कों को जाना है, जाना हो वे तैयार हो जाए, यहाँ जो की जगह जिन, जिन लड़कों को जाना है, वो जाना हो वे तैयार हो जावे। कोई का पेन, कोई का पेन यहाँ रह गया, कोई का की जगह किसी का पेन यहाँ रह गया। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हम आगे भी देखते हैं ये नियम जो दिए गए हैं, दो नियम हम पहले सीख लेते हैं। तो संज्ञा में प्रत्यय अलग से और सर्वनाम में प्रत्यय साथ में लिखा जाता है। संज्ञा में जो प्रत्यय है वो अलग से लिखा जाता है और सर्वनाम में साथ में लिखा जाता है। जो देखो विद्यार्थी मित्रों, कोई का, ये बराबर पेन यहाँ रह गया है, तो किसी का, कोई का अलग है, किसी का ये साथ में रखा गया है। संज्ञा में प्रत्यय अलग से और सर्वनाम में प्रत्यय साथ में रखा जाता है। तो देखते हैं आगे, पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद उसी व्यक्ति का यदि फिर से निर्देश करना हो तो अपना, अपनी, अपने आदि सर्वनामों का प्रयोग करना चाहिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद उसी व्यक्ति का यदि फिर से निर्देश करना हो तो अपना, अपनी, अपने आदि सर्वनामों का प्रयोग करना चाहिए। देखो इसके भी उदाहरण लेते हैं, तो देखते हैं विद्यार्थी मित्रों, इसका मैं मेरा काम करता हूँ, मैं मेरा ये डबल बार रिपीट नहीं, मैं और मेरा ये दोनों रिपीट हुआ है, मैं मेरा काम करता हूँ, ये गलत वाक्य है। तो मैं अपना काम करता हूँ, हम लोगों ने जो नियम बोला अभी, कौन सा वाला, ये वाला, पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद उसी व्यक्ति का यदि फिर से निर्देश करना हो तो अपना, अपनी, अपने आदि सर्वनामों का प्रयोग करना चाहिए। ये नियम हम पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं ये नियम का हम लोग आगे भी फिर से लेते हैं। मैं मेरा काम करता हूँ, मैं मेरा की जगह हम लिखेंगे मैं अपना काम करता हूँ। वे उनकी धुन में मस्त है, वे उनकी, यहाँ पर वे और उनकी, ये दोनों की जगह, उनकी की जगह, वे अपनी धुन में मस्त है। आगे, तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम तुम्हारे, इसकी जगह तुम अपने घर जाओ, तो ये वाक्य सही वाक्य बनेगा। तो मैं मेरा काम करता हूँ, ये गलत वाक्य है, उसकी जगह सही आंसर है मैं अपना काम करता हूँ। वे उनकी धुन में मस्त है, इसकी जगह वे अपनी धुन में मस्त है, वे अपनी, ये वाक्य सही है। तुम तुम्हारे घर जाओ, इसकी जगह तुम अपने घर जाओ। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम आगे भी देखते हैं शब्दों का उचित प्रयोग, शब्द का प्रयोग हम करते हैं तो योग्य प्रयोग, उचित प्रयोग कैसे किया जाता है,
कौन से शब्द का प्रयोग करने से वाक्य सही बनता है ये भी हम देख लेते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट वन, शब्द के अर्थ के संबंध में शब्द का वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक है। शब्द के अर्थ के संबंध में शब्द का वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक है। उदाहरण, हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, शुश्रूषा नहीं लिख सकते हैं, गलत वाक्य है ये वाक्य, अर्थ बदल जाएगा। हमें अपने, जवाब क्या है, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो क्यों शुश्रूषा शब्द का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो शुश्रूषा रोगी की जाती है, सारवार जिन्हें के शुश्रूषा यानी कि सारवार ट्रीटमेंट, शुश्रूषा रोगी की जाती है। माता पिता एवं श्रेष्ठ गुरुजनों की लिए सेवा शब्द का प्रयोग होना, हमारे माता पिता और गुरुजनों के लिए कौन सा शब्द, सेवा शब्द का प्रयोग होना चाहिए। ध्यान रखना शुश्रूषा शब्द, हम अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी, हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तो यहाँ शुश्रूषा शब्द का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे माता पिता रोगी थोड़े हैं, बराबर। शुश्रूषा तो रोगी व्यक्तियों की जाती है, इसलिए शुश्रूषा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे हम, यहाँ सेवा शब्द का प्रयोग करेंगे। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, रोगियों की शुश्रूषा होती है और माता पिता की सेवा। ओके, आगे नेक्स्ट, इस समय उनकी आयु 70 वर्ष की है, ये गलत है, आयु शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस समय उनकी आयु 70 वर्ष की है, ये वाक्य गलत है। तो जवाब है, इस समय उनकी उम्र 70 वर्ष की है, इस समय उनकी उम्र 70 वर्ष की है, ये वाक्य 70 वर्ष है, ये वाक्य सही है। क्योंकि जवाब है, आयु शब्द क्यों नहीं यूज करते हैं, आयु जीवन की पूरी गणना को कहते हैं। देखो आयु, यानी यहाँ पर आयु शब्द जो लिखा है ये गलत लिखा है, बराबर। तो आयु शब्द जीवन की पूरी गणना, जीवन खत्म हो जाए उसके बाद आयु शब्द, कितनी आयु जिए, बराबर, उनकी कितनी आयु थी मरे तब, आयु भूतकाल हो जाएगा, पास हो गया, पसार हो जाने के बाद आयु शब्द का प्रयोग, मरने के बाद आयु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस समय उनकी उम्र 70 वर्ष है, वाक्य वर्तमान काल में है। ओके, तो इसीलिए आयु शब्द की जगह उम्र ही लिखना, जो जिंदा व्यक्ति है उसके लिए उम्र, उनकी उम्र कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है, तो 15 साल 20 साल जिंदा है। आयु शब्द जीवन की पूरी गणना को कहते हैं, इसलिए आयु शब्द की जगह उम्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नियम, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। देखो तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, अस्त्र ये गलत है, अस्त्र शब्द नहीं यूज कर सकते, कारण भी है इसके, मैं बताती हूँ आपको। तो जवाब है, तलवार, हम लोग देखते हैं, देखो तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, ये वाक्य सही है, अस्त्र की जगह शस्त्र, क्यों, कारण बताती हूँ। अस्त्र हाथ से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है, जबकि तलवार हाथ में रखकर चलाई जाती है। शस्त्र, जो शस्त्र हाथ में रखकर चलाए जाते हैं, फिर से तलवार को हाथ से छोड़ा नहीं जाता, तलवार है, गदा है, बराबर, ये सब शस्त्र कहे जाते हैं, बराबर। तो तलवार को हाथ में रखकर चलाई जाती है और अस्त्र फेंका जाता है, फेंका जाता है, फेंकने का, इसे क्या कहेंगे, अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, जो बाण छोड़ा जाता है, बराबर, बाण जी ये अस्त्र है, चक्र अस्त्र है, फेंका जाता है, बराबर, इसको फेंक के चलाया जाता है, हाथ से छोड़ा जाता है, समझ में आया। तो अस्त्र हाथ से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है, जबकि तलवार हाथ में रखकर चलाई जाती है। तलवार और गदा दोनों हाथ से लड़ने के लिए, गदा को भी हम नहीं छोड़ सकते, गदा को छोड़ दिया तो हमको सामने वाला मार डालेगा, तलवार को भी हाथ से छोड़ा तो मार डालेगा, इसलिए हाथ से पकड़ कर सामने वाले का मुकाबला किया जाता है। तो तलवार उपयोगी शस्त्र है, शस्त्र हाथ में पकड़ कर मारा जा, हाथ से पकड़ कर मारा, हाथ में ही रखा जाता है, हाथ से छोड़ना नहीं है, हाथ से पकड़ कर मारा जाता है, तो हाथ में रखकर चलाई जाती है, और अस्त्र हाथ से फेंका जाता है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जिसे हम क्या कहेंगे, अस्त्र। ये दोनों ध्यान रखने का, अस्त्र किसे कहते हैं, तो हाथ से फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार जिसे हम अस्त्र कहते हैं, और तलवार किसे कहते हैं, तो तलवार सॉरी शस्त्र किसे कहते हैं, तो शस्त्र हमेशा हाथ में रखकर ही चलाया जाता है। आगे, दो बलाघातों का लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए। उदाहरण, इसके बावजूद भी वह आता जाता रहा, ये वाक्य गलत है।
जवाब क्या है? इसके बावजूद वह आता जाता रहा। बावजूद भी नहीं लिख सकते हैं, बावजूद भी, भी दोनों, ये दोनों साथ में यूज़ नहीं कर सकते हैं हम लोग। इसके बावजूद वह आता जाता रहा, भी निकाल देना पड़ेगा, बराबर। तो हमारा वाक्य सही बनता है। आगे देखते हैं, तो बालाघाटों का दो बार प्रयोग साथ में नहीं किया जाता है। आगे है नेक्स्ट थर्ड वन, नियम नंबर 3। तीसरे नियम के अंदर शब्द का निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर से शब्द का निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए। उदाहरण के रूप में लेते हैं, एक ही भाव दो बार कहने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। उदाहरण, मात्र केवल छात्रों के लिए, मात्र और केवल, ये दोनों को दो बार, मात्र और केवल दोनों साथ में नहीं प्रयोग कर सकते हैं। एक ही भाव को दो बार कहने से वाक्य अशुद्ध बन जाता है। मात्र और केवल दोनों का भाव एक ही है। तो जवाब है केवल छात्रों के लिए, ये वाक्य सही है, केवल छात्रों के लिए। अथवा ऐसे लिख सकते हैं, मात्र छात्रों के लिए, केवल का या मात्र, दोनों में से किसी एक ही वर्ड का प्रयोग कीजिए, बराबर, तो ही वाक्य शुद्ध बनेगा। केवल छात्रों के लिए ऐसा लिखो, या मात्र छात्रों के लिए, यही वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। सेकंड नंबर, आपका भवदीय, बराबर, ये दोनों साथ में नहीं लिख सकते हैं। आपका लिखो या भवदीय लिखो, दोनों में से कोई भी एक लिखो, कोई भी एक लिखो, तो ही वाक्य सही बनता है। मुहावरे का गलत रूप से प्रयोग करने पर वाक्य अशुद्ध होता है। मुहावरा हम प्रयोग करते हैं, मुहावरे का गलत रूप से प्रयोग करने से भी वाक्य अशुद्ध बन जाता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण, उसके मुंह से फूल गिरते हैं, मुंह से फूल गिरते हैं, हम बोलते हैं मुंह, शब्द, शब्द से, मुंह में से शब्द निकालते हैं, ये क्या फूल है, फूल गिरते हैं, गिरते हैं नहीं, अशुद्ध वाक्य है, गिरते हैं शब्द का प्रयोग नहीं करना, फूल गिरते हैं ऐसा नहीं, अशुद्ध वाक्य है। जवाब है उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, ये वाक्य शुद्ध वाक्य है। आगे देखेंगे, सर्व को दूध पिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे, सर्व नहीं, सर्प, सर्प आएगा यहाँ, शब्द ये गलत है। सर्प को दूध पिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे, अशुद्ध वाक्य है। तो सर्प को दूध पिलाकर अच्छा काम नहीं करें, फिर से लेंगे विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर थोड़ी सी भूल हो गई है। सर्प को दूध खिलाकर, दूध खिलाया जाता है क्या, दूध तो पिलाया जाता, दूध खिलाया नहीं जाता है, दूध को पिलाया जाता है। सर्प को दूध पिलाकर, खिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे, ये अशुद्ध वाक्य है। तो जवाब है सर्प को दूध पिलाकर, पिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे, बराबर, तो दूध पिलाया जाता है, खिलाया नहीं जाता, ओके, तो दूध पिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे। नेक्स्ट वन, आगे, अपने नाम के साथ श्री शब्द को छोड़कर वाक्य लिखना चाहिए। चलो अपना खुद नाम हम लिख रहे हैं तो उसमें श्री हम लिखेंगे तो ये बराबर नहीं है। जैसे उदाहरण, मेरा नाम श्री महेश भाई है, बराबर, मेरा नाम, मैं खुद अपना नाम लिख रही हूँ तो मेरा नाम, बराबर, श्रीमती प्रवीणा बहन है, ऐसा हम नहीं लिख सकते, गलत है। मेरा नाम श्री महेश भाई है, ये वाक्य गलत है, क्योंकि हम खुद अपना नाम लिख रहे हैं और उसके आगे हम श्री लिखेंगे तो ये गलत बनेगा। तो हम ऐसा लिखेंगे, मेरा नाम महेश भाई है, तो ये वाक्य सही है। हम सीधा लिखेंगे, मेरा नाम महेश भाई है। तो इस प्रकार शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य के अंदर हम लोगों ने जो अलग अलग नियम पढ़े, बराबर, ये नियम के अनुसार हमें वाक्य शुद्ध शुद्ध कीजिए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हम यहाँ पर अलग अलग उदाहरणों के द्वारा शुद्ध वाक्य कैसे बनता है, कौन से नियम इस वाक्य को लागू पड़ता है, ये सब हमने यहाँ से सीखा। तो इधर यहाँ पर जो स्वाध्याय दिया गया है, ये स्वाध्याय आपको घर से लिख कर लाना है, बराबर। चलो एक मिनट, हाँ विद्यार्थी मित्रों, थोड़ा आपको हेल्प कर देती हूँ। ये यहाँ पर जो स्वाध्याय दिया गया है तो उसके आंसर भी मैं आप लोगों को बोल के देती हूँ। थोड़ा सा समय है तो मैं आप लोगों को ये आंसर भी लिख के, सॉरी, बोल के देती हूँ, आप लोग आंसर लिखना है। स्वाध्याय में लिखिए, घर आता है वह आदमी, फिर से, घर आता है वह आदमी, ये वाक्य गलत है। इसका सही वाक्य है, वह आदमी घर आता है, तो वह हमें शुरुआत में लिखना है, आदमी बाद में, वह आदमी घर आता है, ये वाक्य
सही वाक्य है। सेकंड नंबर, आज वहाँ मीना ने जाना है, आज वहाँ मीना ने जाना है, ये वाक्य गलत है। तो आज वहाँ मीना को जाना है, ये जवाब सही है, आज वहाँ मीना को जाना है। थर्ड वन, वह बुद्धिमान स्त्री है, वह बुद्धिमान स्त्री है। तो इसका जवाब है वह बुद्धिमती स्त्री है, बुद्धिमान की जगह बुद्धिमती, पुल्लिंग होगा तो बुद्धिमान रखा जाएगा, यहाँ पर स्त्री है, स्त्री स्त्रीलिंग में है, तो बुद्धिमान की जगह हम लिखेंगे बुद्धिमती स्त्री है। वृक्षों पर कोयल बोल रही है, वृक्षों पर कोयल बोल रही है, वृक्षों पर नहीं, वृक्षों पर बहुवचन है, वृक्ष पर कोयल कुक रही है, बोल रही है जगत पर, वृक्ष पर कोयल कुक रही है, कोयल बोलती है ऐसा नहीं, कुकती है, कोयल कुक रही है, ये जवाब। फिर से लिख सेंटेंस आंसर बोलती हूँ, वृक्ष पर, वृक्ष एक वचन में लिखे हैं, वृक्ष पर कोयल कुक रही है। उसे कितना आम चाहिए, तो आंसर है उसे कितना नहीं, कितने, कितने आम चाहिए। आगे, उसे कितने आम चाहिए। नेक्स्ट, बेटी तो पराया धन होता है ना, तो जवाब बेटी तो पराया धन होती है, बराबर, बेटी तो पराया धन होती है। सेवन, सविता ने चंद्रिका को बुलाई, तो जवाब है सविता ने चंद्रिका को बुलाया। एट वन, यह घर में कौन रहता है, तो यह की जगह इस घर में कौन रहता है। नाइन नंबर, रघुवीर को एक लड़की हुई, रघुवीर को एक लड़की हुई, ये वाक्य गलत है, तो जवाब है रघुवीर के एक लड़की हुई, रघुवीर की एक लड़की हुई, रघुवीर की एक लड़की हुई। आगे, मेरा नाम श्री मनोज कुमार है, यहाँ पर हम श्री निकाल लेंगे, श्री रखेंगे तो गलत वाक्य बन जाएगा, मेरा नाम मनोज कुमार है, हम खुद नाम लिख रहे हैं, अपने नाम के आगे श्री लिखने की जरूरत नहीं है, तो जवाब लिखेंगे आंसर, मेरा नाम मनोज कुमार है। आप यहाँ बैठो, तो आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठो, इसकी जगह आप यहाँ बैठिए, ये वाक्य सही है। वह बड़ा चालाक है, वह बड़ा चालाक है, ये गलत वाक्य है, यहाँ पर आंसर लिखेंगे वह बहुत, बड़ा की जगह बहुत चालाक है, वह बहुत चालाक है। यद्यपि यह निर्धन है परंतु ईमानदार है, तो यद्यपि वह निर्धन है, यद्यपि वह निर्धन है कौमा, फिर भी ईमानदार है, यद्यपि वह निर्धन है, यहाँ कौमा आएगा, फिर भी वह ईमानदार है। फिर से, यद्यपि वह निर्धन है फिर भी ईमानदार है, जो करेगा वह भरेगा। 14 नंबर, जो करेगा वह भरेगा, तो देखते हैं जवाब है उसका, जो करेगा वही भरेगा, जो करेगा वही भरेगा। आगे लेंगे, नेक्स्ट वन, पुलिस के आते ही चोर दुम उठाकर भाग गया, तो जवाब है पुलिस के आते ही चोर दुम दबाकर भाग गए, दुम उठाकर नहीं, दुम दबाकर भाग गए, पुलिस के आते ही चोर दुम दबाकर भाग गए। तो फिर से एक बार मैं यहाँ पर सब सेंटेंस के आंसर फिर से एक एक बार रिपीट कर देती हूँ। घर आता है वह आदमी, उसकी जगह वह आदमी घर आता है। आज वहाँ मीना ने जाना है, आंसर है आज वहाँ मीना को जाना है। थर्ड वन, वह बुद्धिमान स्त्री है, तो जवाब है वह बुद्धिमती स्त्री है। वृक्षों पर कोयल बोल रही है, आंसर वृक्ष पर कोयल कुक रही है। उसे कितना आम चाहिए, आंसर उसे कितने आम चाहिए। बेटी तो पराया धन होता है ना, जवाब बेटी तो पराया धन होती है। सविता ने चंद्रिका को बुलाई, तो जवाब है सविता ने चंद्रिका को बुलाया। यह घर में कौन रहता है, इसका जवाब है इस घर में कौन रहता है। रघुवीर को एक लड़की हुई, तो रघुवीर की एक लड़की हुई। मेरा नाम श्री मनोज कुमार है, जवाब है मेरा नाम मनोज कुमार है। आप यहाँ बैठो, जवाब है आप यहाँ बैठिए। वह बहुत बड़ा चालाक है, वह बड़ा चालाक है, इसका जवाब है
वह बहुत चालाक है। यद्यपि वह निर्धन है परंतु ईमानदार है। जवाब है यद्यपि वह निर्धन है, यहाँ कॉमा आएगा, फिर भी ईमानदार है। जो करेगा वह भरेगा, जो करेगा वही भरेगा। 15 पुलिस के आते ही चोर दुम उठाकर भाग गया। तो उसका जवाब है पुलिस के आते ही चोर दुम दबाकर भाग गए। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों हमारा ये अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य का जो प्रकरण था, चैप्टर था, वो यहाँ कंप्लीट हो गया। आपको यहाँ पर सारे नियम, शुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य के सारे नियम यहाँ से लिखना है। आपको कंपलसरी व्याकरण की नोटबुक में सब नियम लिखना है, कंपलसरी शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य के सारे नियम आपको लिखने पड़ेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हम ये चैप्टर पूरा करते हैं। ओके, थैंक यू।